ये मंदिर मात्र एक देव मंदिर नहीं है, ये भारत की दृष्टि का, भारत के दर्शन का, भारत के दिग्दर्शन का मंदिर है। ये राम के रूप में राष्ट्र चेतना का मंदिर है। राम भारत की आस्था है, राम भारत का आधार है, राम भारत का विचार है, राम भारत का विधान है, राम भारत की चेतना है, राम भारत का चिंतन है, राम भारत की प्रतिष्ठा है, राम भारत का प्रताप है, राम प्रवाह है, राम प्रभाव है, राम नीति भी है, राम नीति भी है, राम नित्यता भी है, राम निरंतरता भी है, राम विभू है, विशद है, राम व्यापक है, विश्व है, विश्वात्मा है। और इसलिए जब राम की प्रतिष्ठा होती है तो उसका प्रभाव वर्षों या शताब्दियों तक ही नहीं होता, उसका प्रभाव हजारों वर्षों के लिए होता है। महर्षि वाल्मीकि ने कहा है, राज्यम 10 सहस्राणि प्राप्य वर्षाणि राघव, अर्थात राम 10,000 वर्षों के लिए राज्य पर प्रतिष्ठित हुए, यानी हजारों वर्षों के लिए राम राज्य स्थापित हुआ।